हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम एक्सेल की किसी भी स्प्रेडशीट को प्रिंट कर सकते हैं। तो उसको प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, नॉर्मली हम एक फाइल टैब को ओपन करते हैं और फाइल टैब के अंदर ही हमें प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको प्रिंट ऑप्शन मिलता है। इस प्रिंट ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको आपकी जो स्क्रीन है उसको तीन पार्ट में आप देखेंगे, तीन पेन्स में वो डिवाइड हो जाती है। पहले पेन में आपको कमांड्स दिखाई देती हैं, दूसरे पेन में आपको जिस कमांड को आपने ओपन किया है उससे रिलेटेड सेटिंग्स दिखाई देती हैं, और तीसरे वाले पेन में आपको प्रिव्यू दिखाई देता है। तो अब प्रिंट कमांड में हमें सबसे पहले जो टॉप के ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन हमारा होता है प्रिंट कमांड का प्रिंट लेने के लिए। यानी इस बटन पे क्लिक करते ही आपको जो भी आप प्रिंटर यूज़ कर रहे हो उस प्रिंटर से आपको प्रिंट मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बटन है आपका कॉपीज बटन से आप एक ही प्रिंट की जो आपको प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है उसी प्रिंट की मल्टीपल कॉपीज निकाल सकते हो। जैसे इसी पेज की मुझे दो या तीन कॉपीज चाहिए या इससे भी ज़्यादा चाहिए तो मैं उसी उतना ही नंबर यहाँ पर डाल दूँगी, और जितनी कॉपीज मुझे चाहिए वो उतनी ही कॉपीज मुझे इस प्रिंट की इस पेज के जो प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है उसकी मिल जाएंगी। इसके बाद जो नीचे ऑप्शंस हैं जिसमें प्रिंटर का एक ऑप्शन है, प्रिंटर का ऑप्शन हमारा यूज़ होता है कि जिस भी प्रिंटर को हम अपने प्रिंटआउट के लिए यूज़ करना चाहते हैं उस प्रिंटर को हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल मेरे पास में, जैसे ही मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करूँगी मुझे दिखाएगा कि मेरे कितने जो प्रिंटर हैं मेरे से कनेक्टेड हैं और उन्हें आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरा जो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर मैंने सेट किया हुआ है वो यही है जिस पे ग्रीन कलर का साइन दिखाई दे रहा है। ये मेरा डिफ़ॉल्ट प्रिंटर है और इस प्रिंटर से ही ऑलमोस्ट मैं कमांड्स लेती हूँ। इस प्रिंटर को मैंने अपना डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेट कर रखा है तो इसीलिए इस प्रिंटर को ही मैं यूज़ करूँगी कमांड लेने के लिए, प्रिंट लेने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि अभी ये प्रिंटर ऑफ है, मतलब कनेक्टेड नहीं है मेरे से, अभी मैं उस लैंड कनेक्शन पर नहीं हूँ जिसमें ये प्रिंटर मैं एक्सेस कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे ये दिखा रहा है सर्वर ऑफलाइन। जैसे ही मैं अपने लैंड कनेक्शन से कनेक्ट हो जाऊँगी या नेटवर्क से कनेक्ट हो जाऊँगी जिस नेटवर्क पे प्रिंटर अवेलेबल है, तो वैसे ही मुझे यहाँ पर रेडी दिखाई देने लगेगा सर्वर ऑफलाइन की जगह। तो अभी हम यहाँ से प्रिंटर का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रिंटर जो है वो काम कर रहा है या फिर किसी और रीज़न से काम नहीं कर रहा है, तो वो हमें पता लग जाएगा। सर्वर ऑफलाइन का मतलब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसका मतलब अभी हम नेटवर्क पे नहीं है जिस नेटवर्क पे ये प्रिंटर कनेक्टेड है, अवेलेबल है। इसके बाद प्रिंटर के प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ये प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होती हैं, इसमें आपको ज़्यादा जाना नहीं पड़ता। आपको सिर्फ यहाँ से अपना लेआउट सेलेक्ट करना होता है। आप पोर्ट्रेट मोड में अपने प्रिंटर से प्रिंटेड चाहते हो या फिर लैंडस्केप में चाहते हो, आपको पेज फॉर्मेट, पेज पर शीट कितने निकालने हैं, एक या दो, तो वो आपको, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने दो पेज को एक ही शीट पे चाहते हो तो आपको दो पेज एक ही शीट पे मिलेंगे। उसके लिए आपके पास में दो पेज का डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस तरीके से अपने प्रिंटर की प्रिंटिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको बढ़ा के चार पेज पे भी कर सकते हो ताकि एक ही पेज पे आप बहुत सारा डेटा लगा सको। तो उस टाइम पे हमें जब एक ही पेज पे बहुत सारा डेटा दिखाना होता है तब हम इस तरीके से अपने पेज के चार पेज के कंटेंट को एक ही पेज पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स में आप कुछ प्रिंटर की सेटिंग्स कर सकते हो। जैसे प्रिंट एक्टिव शीट में अगर आप सिर्फ जिस पेज का प्रिंट आपको प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है उसी को प्रिंट लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर प्रिंट एक्टिव शीट्स पे क्लिक कर सकते हो। यानी कि अगर हमारे पास में यहाँ पर तीन या चार पेजेस होते हैं जिसमें डेटा होता तो हमें वो तीनों चारों पेजेस का अगर डेटा प्रिंट चाहिए तो हमें प्रिंट एक्टिव शीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना था। अगर मुझे सारा सबका मुझे पूरी वर्कबुक का मुझे प्रिंट चाहिए तो मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज़ करूँगी। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है मेरा प्रिंट सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है कि कोई पार्ट हाईलाइट कर देना। अगर आप अपने किसी पार्ट को हाईलाइट कर देते हो सिलेक्शन से, माउस के सिलेक्शन से, तो जितना पार्ट आप हाईलाइट करते हो सिर्फ उतना ही आप प्रिंट ले सकते हो। जैसे इसे मैं यहाँ पर करके दिखाऊँगी आपको। अगर मैं ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे फाइल में जाके प्रिंट वाला ऑप्शन खोलती हूँ तो यहाँ पे आपको प्रिंट सिलेक्शन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जितना पार्ट मैंने सिलेक्ट किया था सिर्फ उतने ही पार्ट का प्रिंट निकलेगा। इस तरीके से आप प्रिंट सिलेक्शन वाले ऑप्शन से अपने हिसाब से प्रिंट सेट कर सकते हो, प्रिंट एरिया सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नीचे जो ऑप्शंस होते हैं इन ऑप्शंस में आप पेजेस के नंबर डाल सकते हो। अगर आपके वर्कबुक में मल्टीपल पेजेस हैं तो आप अपनी कितने पेजेस के प्रिंट चाहते हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कई बार आपको क्या होता है कि अल्टरनेट पेजेस के प्रिंट चाहिए होते हैं तो आप अपने पेजेस के प्रिंट यहाँ नंबर यहाँ पर डाल के उनके प्रिंट ले सकते हो। सब कुछ मुझे 1 से लेके
5 तक के प्रिंट चाहिए, लेकिन उसके लिए मेरे डॉक्यूमेंट मेरी वर्कबुक में 1 से 5 पेज पे डेटा होना चाहिए, तभी मेरा ये 1 to 5 पेज का प्रिंट निकलेगा, अदरवाइज ये ब्लैंक निकलेगा। इसके बाद नीचे जो ऑप्शन है हमारा वो होता है हमारा क्वालिटी। क्वालिटी वाला जो ऑप्शन होता है आपका, वो आपकी बुक आपकी जो वर्कशॉप वर्कबुक है उसको एक तरह से सीक्वेंशियल ऑर्डर में उसके प्रिंट देने के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर मैं अगर आपको बताऊं तो एक तरह से ये जो ऑप्शन है आपका, ये कॉपीज वाले ऑप्शन से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जब हम एक पेज की मतलब एक वर्कबुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं और उनकी कॉपीज निकालते हैं, तो कॉपीज निकालते हुए क्या होता है, हमें कॉलेट और अनकॉलेट का ध्यान रखने की वजह से क्या होता है, आपकी जो प्रिंट है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में दिखाई देती है। जैसे मैं कॉलेट ऑप्शन को अनेबल कर देती हूँ, तो अगर आपकी वर्कबुक में मल्टीपल पेजेस हैं तो उन पेजेस के सीक्वेंस ऐसे रहेगा कि 1 पेज 2 पेज 3 पेज इस तरीके से, और फिर उसके बाद में जब एक पूरा सेट पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर से 1 2 3 एक सर इस सीक्वेंस से आपका प्रिंट निकलना शुरू होगा। जबकि अगर हम इसको अनकॉलेटेड रखते हैं तो एक पेज की पहले जैसे आपका फ्रंट पेज है किसी भी वर्कबुक का पहला पेज है, तो उस पेज की पहले 3 कॉपी निकलेंगी, अगर आप 3 कॉपी में निकाल रहे हो या 2 कॉपी निकाल रहे हो तो 2 निकलेंगी, और अगर आप उसके बाद में जो दूसरा पेज है उसकी फिर मल्टीपल कॉपी निकलेंगी, फिर तीसरे पेज की मल्टीपल कॉपी निकलेंगी, तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको पेजेस को बाद में अरेंज करना पड़ेगा, हर पेज को एक अलग से हटा के फिर उसके बाद अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अनकॉलेट वाला ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये ऑर्डर नहीं चाहिए होता है, और अगर हमें ऑर्डर वाइज निकालना होता है, सीक्वेंशियली ऑर्डर में अपनी फाइल को प्रिंट करना होता है, तो हम कॉलेट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसके बाद कॉलेट के ऑप्शन के बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है हमारा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। हमारे पेज को हम 2 तरीके से देखते हैं, तो पोर्ट्रेट मोड में और दूसरा लैंडस्केप मोड में। पोर्ट्रेट में मोड में आपका जो पेज है उसमें आपको पेज इस तरीके से दिखाई देता है, और वहीं अगर मैं इस ओरिएंटेशन को चेंज करके लैंडस्केप कर दूँ तो जो आपका पेज है वो इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। यानी कि अगर आपको एक टाइम पे एक पेज पे बहुत सारा कंटेंट शो करना है कॉलम वाइज, तो आप लैंडस्केप मोड चूज़ करेंगे। अगर मुझे रो वाइज ज़्यादा कंटेंट शो करना है तो मैं पोर्ट्रेट ऑप्शन चूज़ करूँगी एक्सेल में। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा पेज साइज सेलेक्ट करता है, जो मैंने आपको पहले भी अभी बताया था प्रिंटर प्रॉपर्टीज के अंदर। पेज साइज से क्या होता है, पेज साइज से आप अपने पेज का साइज चूज कर सकते हो। अगर मुझे A4 साइज पेज पे निकालना है प्रिंट, तो मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसको A4 सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके अलावा मेरे पेज के अलग अलग साइजेस अवेलेबल है, जैसे किसी पेज की 18.2 पॉइंट एग्जीक्यूटिव जो हमारा पेज है पेज साइज है उसमें आपका जो ये साइज है 18 x 26 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर मैं लेटर वाला साइज रखती हूँ तो 21 x 27 सेंटीमीटर। इस तरीके से मेरा पेज का साइज जो है वो चेंज हो जाता है। तो बेसिकली जब हम A4 साइज पे अपने प्रिंट निकाल रहे होते हैं तो हम यहाँ पर इसको A4 ही सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम हमारे जो पेज है वो हमारा A3 है या A5 है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने वो डिपेंड भी करेगा पेज का साइज आपके प्रिंटर पे भी। कई बार प्रिंटर जो होते हैं वो A3 पेज पे भी प्रिंट निकालने के लिए अवेलेबल होते हैं, तो इस टाइम पे हम यहाँ पर अपने पेज का साइज A3 या A5 कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो आपके पेज के मार्जिन को सेट कर सकता है। तो इसकी इस ऑप्शन से हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन से हम अपने पेज की सेटिंग्स करते हैं। हमारे पेज पे एक टाइम पे कितना कंटेंट दिखाई दे, हमारा पेज का जो लेंथ और ब्रेथ है उसको एडजस्ट करने के लिए हम इस ऑप्शन से काम कर सकते हैं। जैसे कुछ हमें सेटिंग्स करके ऑलरेडी दी हुई हैं, ये आपकी नॉर्मल सेटिंग है। अगर आप इसको नैरो पे रख देते हो तो इस तरीके से आपका कंटेंट जो है वो थोड़ा सा पेज से पेज की हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। मतलब आपका पेज पे एक ही पेज पे बहुत सारा कंटेंट शो करने के लिए हम यहाँ पर नैरो मार्जिन्स रखते हैं। लेकिन अगर हमें अभी फिर भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी है अपने पेज की, तो हम कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक कर देते हैं, और कस्टम मार्जिन्स में आप अपने अकॉर्डिंग अपने कंटेंट के मार्जिन अपने पेज के मार्जिन को बढ़ाया कम कर सकते हो। जैसे अगर हमें टॉप से ज़्यादा कंटेंट ऊपर खिसकाना है और ज़्यादा कंटेंट एक बार शो करना है, तो 1.9 की जगह मैं इसको यहाँ पर 0.4 कर देती हूँ, और इसी तरीके से मैं बॉटम से भी इसको कम कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ, तो आपके पेज का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा। आप जैसे मैं इसको ओके करूँगी आप देखेंगे आपका कंटेंट जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी कि अब आपके पेज पे ऊपर साइड में जो जगह बची रहती है वो जगह आपको कम से कम दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप अपने पेज के मार्जिन्स को आप कस्टम मार्जिन में जाके सेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप इसे हम मैनुअली अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपको एरोज मिल जाते हैं, तो इन एरोज से हम क्या करते हैं, अपने माउस की हेल्प से, माउस के पॉइंटर की हेल्प से इस तरीके से अपने पेज के मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जितना आप इसको बढ़ा दोगे उतना ही ज़्यादा कंटेंट आपको शो होगा। या फिर आप अपने किसी कॉलम को बढ़ाना या कम करना चाहते हो तो उसको भी आप यहाँ पे
इस ऑप्शन से कर सकते हो, या आप इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये ऑप्शन इस ऑप्शन से खुल के मिला है। तो इस तरीके से हम अपने मार्जिन्स को यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने मार्जिन्स को यहाँ से ऐड चेंज कर सकते हैं मैन्युअली, और अगर आपको कोई बने बनाए मार्जिन को यूज़ करना है, मार्जिन सेटिंग्स को यूज़ करना है, तो आप इन सेटिंग्स में से भी उनको चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा सेट मार्जिन वाला ऑप्शन हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं नो स्केलिंग वाले ऑप्शन की। नो स्केलिंग वाला ऑप्शन आपका यूज़ होता है कि जब आप एक ही पेज पे कितने कंटेंट को शो करना चाहते हो, तो वो आपका स्केलिंग वाले ऑप्शन से होता है। जैसे अगर आप कोई स्केलिंग नहीं रखना चाहते, आप जो साइज़ फॉन्ट का है वही साइज़ यूज़ करना चाहते हो, और जितना कंटेंट जहाँ पे शो हो रहा है उतना ही शो करना चाहते हो, तो आप नो स्केलिंग वाला ऑप्शन यूज़ करते हो। अगर आप फिट शीट ऑन वन पेज वाला ऑप्शन यूज़ करते हो, तो आपकी वर्कबुक में जितना भी डेटा है, चाहे वो वन पेज पे आ रहा है, चाहे टू पेज पे आ रहा है, चाहे थ्री पेजेस पे आ रहा है, वो सारा डेटा आपको एक ही पेज पे फिट होके मिल जाएगा, श्रिंक होके मिल जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका डेटा का जो साइज़ है, आपका जो फॉन्ट का साइज़ है, वो थोड़ा स्मॉल हो जाएगा। और अगर आपका डेटा बहुत लार्ज क्वांटिटी में है, तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा और वो एक ही पेज पे श्रिंक होकर आपको दिखाई देने लगेगा। तो कई बार क्या होता है कि हमें अपने पेज को, हमारे पेज पे जो डेटा है उसके फॉन्ट से बहुत ज़्यादा, फॉन्ट उसका बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हमें एक ही पेज पे अपने डेटा को निकालना होता है, तब हम फिट शीट ऑन वन पेज वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। ये जब हम चाहते हैं कि हमारे जो कॉलम्स हैं वो बहुत सारे कॉलम्स हैं, और बहुत सारे कॉलम्स को हम एक ही पेज पे शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे इसके लिए ना मैंने फील्ड्स ऐड कर देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ फील्ड ऐड कर दी स्कूल, इस तरीके से मैंने करके यहाँ पे रोल नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, इस तरीके से मैंने इसके यहाँ पे कॉलम्स बढ़ा दिए। अब आप यहाँ पे देखोगे ये जो डॉटेड लाइन है, ये शो इंडिकेट करती है कि आपका जो प्रिंट है वो कितने एरिया तक कवर हो रहा है, यानी आपके प्रिंट जो पेज का प्रिंट है वो कितने एरिया में को कवर कर रहा है। तो इतने पेज का प्रिंट आपका निकलेगा, और फ़ोन नंबर जो है हमारा इस फील्ड से बाहर जा रहा है। तो अब हम इसे किस तरह से सेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे प्रिंट पे जाती हूँ। इसे मैं कंट्रोल पी से भी ओपन कर सकती थी प्रिंट वाले ऑप्शन को। तो यहाँ पे मैं पहले तो प्रिंट सिलेक्शन वाला ऑप्शन आ रहा है, तो इसको मैं चेंज करके यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट पे क्लिक कर देती हूँ। इसके बाद आप यहाँ देखोगे इस वाले एरिया में आपको फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। तो फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा और मुझे सारे कॉलम्स को दिखाना है, तो मैं यहाँ पर फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज वाला ऑप्शन चूज़ कर लूँगी। तो मैं जैसे ही फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज वाला ऑप्शन चूज़ करती हूँ, आपको फ़ोन नंबर इसी पेज पे दिखाई देने लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे फॉन्ट का साइज़ जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट होता है। तो इसकी वजह से इस तरीके से हम अपने सारे कॉलम्स को एक ही पेज पे दिखा सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास एक ऑप्शन और है, फिट ऑल रोज़ ऑन वन पेज। इस पेज पे मेरे पास सिर्फ 14 रोज़ हैं, लेकिन अगर मेरी पेज की रोज़ ज़्यादा होती और मेरे को इसी पेज पे बहुत सारी रोज़ दिखानी होती, तो मैं यहाँ पर फिट ऑल रोज़ ऑन वन पेज वाला ऑप्शन चूज़ करती, जिसकी वजह से मेरी सारी रोज़ जो हैं वो एक ही पेज पे शिफ्ट हो जाती। अगर मेरी यहाँ पे तो मेरी रोज़ कम है, अगर मेरी रोज़ ज़्यादा होती तो उस टाइम पे मेरे को बहुत बेनिफिट करता फिट ऑल रोज़ ऑन वन पेज वाला ऑप्शन। इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन बचा है यहाँ पर पेज सेटअप वाला। पेज सेटअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं पेज की सेटिंग फिर से खोल सकती हूँ। जैसे पेज मुझे पोर्ट्रेट में चाहिए कि लैंडस्केप में चाहिए, या मार्जिन को मुझे मैन्युअली सेट करना है तो वो मैं कर सकती हूँ। पेज के अंदर ही मुझे यहाँ पर स्केलिंग वाले ऑप्शन मिलते हैं, जैसे स्केलिंग में मैंने आपको बाकी ऑप्शन तो बताई दी, नो स्केलिंग, फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, फिट शीट ऑन वन पेज, लेकिन इसको मैं चाहूँ तो अपने हिसाब से फिट टू वन पेज यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, या फिट टू टू पेज भी मैं कर सकती हूँ। अगर मुझे लगता है मेरा पूरा डेटा एक शीट पे श्रिंक होकर नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं यहाँ पे फिट टू टू कर दूँगी। और जितना भी मेरा डेटा है, अगर वो बहुत सारा लार्ज क्वान्टिटी का डेटा है, तो वो सिकुड़ के श्रिंक होके दो पेजेस पे दिखाई देने लगेगा। इसके बाद एडजस्ट टू की वजह से मैं अपने फॉन्ट का साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा कर सकती हूँ। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट 100% होता है, इसको मैं चाहूँ तो छोटा करके दिखाना चाहती हूँ तो इसको मैं रिड्यूस कर दूँगी, और अगर मैं इसको बढ़ा करके दिखाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर इसको बढ़ा दूँगी इस तरीके से। आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देने लग गया है। तो ये हमारा यहाँ से इस ऑप्शंस, इन ऑप्शंस को हम खोल सकते हैं, पेज सेटिंग के ऑप्शंस को हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर पेज का स्टेटस शो होता है कि आपके कितने पेजेस इस वक्त प्रिंटिंग में हैं, और उसके अलावा आप कौन से पेज पे अभी हो। अगर जैसे मैं यहाँ टू पेज पे हूँ, तो ये मैं आगे पीछे यहाँ से इसको नेविगेट कर सकती हूँ, और जो भी पेज मैं देखना चाहती हूँ उस पेज पे मैं यहाँ पे रख के क्लिक कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम अपने प्रिंट की सेटिंग ओपन करते हैं। प्रिंट लेने के लिए यहाँ पे आपको प्रिंटर ज़रूर चूज़ करना होता है लास्ट टाइम पे, जब भी आपका प्रिंटर आपके
सिस्टम से कनेक्ट होगा तो यहाँ सर्वर ऑफलाइन की जगह आपको यहाँ पर रेडी लिखा दिखाई देगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी चीज़ में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वंस अगेन।